अल्लाम दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूँ आपने इस चैनल में उम्मीद आप सब खरीत से होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किसी नेशनल औरत या मर्द के साथ अगर आप शादी करते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है बाई लॉ आपकी नशनैलिटी हासिल करने की या आपकी नशनैल्टी यू एस ए की अप्लाई करने की यहाँ पर यह बताता चलूँ दोस्तों के यू एस ए ने रिसेंटली अपने रूल एंड रेगोलेशन में काफ़ी जो है अपडेट्स की हैं जिसमें ख़ास तौर पर मैरिज की बेस पर जो शादियाँ हैं उन पर अपना कंट्रोल मज़ीद सख्त किया है और रूल एंड रेगुलेशन मज़ीद सख्त किए हैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ शादी आ, करके अगर आप यू एस ए की नेशनैल्टी लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपको कम से कम जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं तीन साल तक आपका साथ रहना ज़रूरी है जिसमें आपके पास प्रूफ भी होने चाहिए कि आप इकट्ठे रहे हैं जिसमें टाउन हॉल की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हमल होती है उसके साथ साथ अगर आपके बच्चे पैदा होते हैं तो वो काफ़ी बड़ा प्रूफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपको स्टेटस ले के देने में इसके साथ साथ बाकी जो प्रूफ जो यूटिलिटी बिल्स वग़ैरह आप दोनों के नाम बैंक अकाउंट आप दोनों के नाम जॉइंट अकाउंट इस तरह की कुछ और प्रूफ हैं जो कि यू एस ए स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो आपसे मांगता है अगर आप यू एस ए की नेशनलिटी लेना चाहते हैं यहाँ पर ये यह आपको बताता चलूँ कि शादी के तीन साल तक आप बिल्कुल भी यू एस ए की नेशनलिटी को अप्लाई नहीं कर सकते इस बेस पे कि आपने किसी यू एस के साथ शादी की है मस्ट भी आपको थ्री ईयर वेट करना पड़ेगा उसके बाद आप प्रूफ ये लगा के नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि अगर आप एलिजिबिलिटी अपनी पूरी करते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल ही जाती है मिले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ अल्लाह हाफिज़